अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय अरीब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बेसन के पकोड़े। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और रमज़ानों में ये रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। इस टाइप के पकोड़े आप रमज़ानों में ज़रूर बना के खाएं। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि घर में पकौड़े बने हैं, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। जैसे तेल में जाकर किसी के पकौड़े टूट जाते हैं, तो मैं उसका आपको हल बताऊँगा कि वो क्यों टूटते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैटर रेडी कर लेते हैं बेसन के पकौड़ों के लिए। उसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए होगा 1 कप और आधा कप बेसन। बेसन के पकौड़े हैं तो बेसन तो जाएगा, ये गया 1 कप और ये फिर गया आधा कप। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा 1/2 टेबल स्पून नमक। आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। नमक के बाद मैं इसके अंदर डालूँगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, कोरिएंडर साबुत डालना है हमें इसके अंदर, साबुत धनिया। इसके बाद 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 2 टेबल स्पून हरी मिर्च, मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। अगर आपको कम मिर्च पसंद है तो आप कम कर लें, मैंने यहाँ पर इतनी रखी है। अब जहाँ पर हम डालेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा। इसकी वजह से हमारे पकौड़े बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल स्मूथ में बनेंगे, बिल्कुल सही क्रंची बनेंगे। बेकिंग सोडा आपने ज़रूर डालना है। उसके बाद यहाँ पर हमने पानी डालना है और इसको विस्क की मदद से विस्क करता जाना, जब तक एक थिक सा बैटर ना बन जाए, नॉर्मल थिक सा बैटर, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो, नॉर्मल साइज़ पे रखना है हमें। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 लार्ज साइज़ की चॉप हुई अनियन। अगर आप स्मॉल ले रहे हैं तो आप 2 ले लीजिएगा, वरना लार्ज काफ़ी है। उसके बाद इसके अंदर डालूंगा 3 टेबल स्पून भरकर धनिया। धनिया को मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लिया था। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 2 टेबल स्पून चॉप्ड हुआ पुदीना। यहाँ पर मैंने पुदीने को भी बिल्कुल बारीक में चॉप कर लिया था। इसके बाद हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा यहाँ पर इन टोटल 1.5 कप से थोड़ा कम पानी गया था, मतलब 1 कप प्लस 1/4 कप पानी गया था मेरा इस बैटर को सही बनाने के लिए। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कि ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतला है। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं पकौड़े। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल रख लिया था और ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा था। यहाँ पर जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम अपने पकौड़े इसके अंदर डालना स्टार्ट करेंगे। चमचे से भर भर के हमें डालते जाना है, ऐसे करके ध्यान से डालना होगा, वरना आपकी बूंदें टपक टपक के वो अलग से ही पकौड़े बन जाएंगे छोटे छोटे, इसलिए आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे सारे पकौड़े भर दिए। 3 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे। यहाँ पर इसको 3 मिनट हो गए थे, यहाँ पर ये एक साइड से अच्छे से पक गए थे, हम इसका साइड चेंज करके दूसरे साइड से भी 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से सिक चुके थे और इन टोटल मैंने यहाँ पर 6 से 7 मिनट इनको फ्राई किया। ये काफ़ी क्रंची हो चुके थे। अब मैं ऐसे ही सबको फ्राई कर लूँगा। यहाँ पर मैंने इनको बाहर निकाल लिया। ये आप इनका कलर देख सकते हैं, इस कलर तक आपने इनको फ्राई करना है। अब इनको मैं प्लेट में अच्छे से बना लेता हूँ, जितने भी मैंने सारे बनाए थे। और मेरा बाकी और भी बने थे बहुत सारे, लेकिन मैंने प्लेट में इतने ही रखे। मैं इसको सर्व करूँगा यहाँ पर अपनी इमली की ये चटनी के साथ, जो कि बहुत मज़े की बनती है इमली पुदीने की। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको वो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, वह बिल्कुल मिल जाएगी आपको। तो एक क्रंची से और मज़ेदार से पकौड़े हमारे तैयार हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी में। रमज़ानों में ये पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।